बेंडनन बुरचार्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों की एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है, इतना कि उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स दम खो देते हैं। उनका करियर एक जगह पे आकर रुक जाता है। उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग से कंप्रोमाइज किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो क्या करेंगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के डिमांड्स और पर्क्स हैंडल करेंगे? जी हाँ, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स लर्न करना। ब्रेंडन चार्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। बेंडनन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली सिक्स मेन हैबिट्स होती है, और यही चीज वो इस बुक के शुरू अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को लर्न करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। इस मोमेंट में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के। हैबिट एक, सीक क्लेरिटी। क्लेरिटी का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है और आपके गोल्स क्या है। आपको ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से वाकिफ है, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होते हैं कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है। खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज, अपने गुड ट्रेटर्स और बेड ट्रेटर्स सब में क्लेरिटी रखें, क्योंकि ये लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की कीज है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपने गोल्स पहचाने। आपके माइंड में ये क्लियर होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज्यादा एनर्जी, एंजॉयमेंट और सेटिस्फिकेशन लाएंगे। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ कि जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई हो और आपने खुद को डिस्कनेक्टेड फील किया हो, या अपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या है? आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर फॉर। फ्यूचर फॉर क्या है? आपके फ्यूचर सेल्फ, सोशल इंटरेक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन्स है। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो दाई सेल्फ। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहां देखना पसंद करेंगे, इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है क्या आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज फ्यूचर फॉर में सोशल इंटरेक्शन है।
हाई परफॉर्मर्स में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशन अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब है कि जब वो दूसरे से इंटरेक्ट करते टाइम उनमें एक क्लेरिटी होती है, उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फोन कॉल याद करो, क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद करो किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में सोचा था? कन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने? हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन रहता है, वे पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा गुड एग्जांपल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि वे दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे, और वे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाए। नेक्स्ट लाइंस फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स का विजन क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियसली लेते हैं। जब वे कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेंड करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स स्केटर शॉट लर्नर्स नहीं होते। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने निकले और उसे छोड़कर दूसरी के पीछे भागे। वे जो भी सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान कर लेते हैं। वो एवरेज लेनर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर फॉर में लास्ट है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप एक मैनेजर हो और कस्टमर से बहुत दूर आप काम करते हो, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बात सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं, और यही रीजन है कि वे प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। हैबिट दो, जेनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वे एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अल्टरनेस की इम्पोर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी जेनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे लाइफ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा ना ही आपको फॉलो करेगा। बेंडनन बुरचार्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों की एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है, इतना कि उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स। आप भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं।
किसी पावर प्लांट को इमेजिन करो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट के जैसा होना चाहिए, आप भी और ज्यादा एनर्जी जेनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट मत करो। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहे तब हाई एनर्जी जेनरेट कर सकते हैं, और ये करने के लिए आप दिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट बाल है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। बेंडनन बुरचार्ड ने बहुत से हाई परफॉर्मर्स को कोच किया है, उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मर्स की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है? ये तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे में चेंज करते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हो वो ट्रांजिशन है, क्योंकि आप स्लिप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बाथ लेते हैं, तैयार होते हैं। शायद आपको अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता हो, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। ये सारे काम भी ट्रांजिशन है। अपनी डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं, ये एक और ट्रांजिशन है। जब आप घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक एम्प्लॉई के रोल से डैड या मोम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन सारे ट्रांजिशन के बारे में सोचो जो आप दिन भर में करते हो। अब इमेजिन करो कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पे आके और ज्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करें, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने थके होंगे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी। अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा रेस्ट करें। आप अपनी आंखें क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। डीप ब्रीथ ले, एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचो जो आपको आगे करने हैं। क्या है जो आपको अचीव करना है? आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं? एनर्जी जेनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है बिंग द जॉय। पॉजिटिव इमोशन जैसे जॉय आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशन मेंटेन रखते हैं, हेल्दियर होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं, और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं, ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा कंपनसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेजी से नए सेल्स डेवलप करती है। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स नेगेटिव इमोशंस नहीं फील करते, वो भी सैड फील करते हैं, उन्हें भी थकान होती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वे बाकियों से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप करने की एबिलिटी होती है। वे अपने थॉट्स डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पर लौट आते हैं। हैबिट 3 रेज नेसेसिटी। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है।
जब आप नेसेसिटी रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीजों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको बस एक्ट करना होता है। आपको कुछ करने की नीड फील होती है, नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हैं, आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे। तो इसलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, ये आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। बेंडनन बुरचार्ड अक्सर हाई परफॉर्मर्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। इस पर बेंडनन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वे इससे अलग वे कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वो इसी चीज के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बाद में उन चीजों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी रेज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट प्रैक्टिस है नो हू नीड्स योर अगेन। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वे अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में है तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। बेंडनन बुरचार्ड अपने क्लाइंट्स को ये टेक्निक सिखाते हैं, इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपने डेस्क में बैठे, खुद से एक सवाल पूछे, अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज्यादा नीड है। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। सेकंड प्रैक्टिस जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है अफर्म द व्हाई। अफर्म का मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। व्हाई उन गोल्स और पर्पस को रेफर करता है जो आपके एक्शन के पीछे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पज रहता है, जिसे वो प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफी एथलेटिक है, तो नोटिस करना कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वो करते हैं उसमें उनको बड़ा मजा आता है, और इसलिए वो इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं डिक्लेयर करते कि वे राइट हैं, क्योंकि ये लो न्यू अप्रोचेस के लिए भी ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। नेसेसिटी रेज करने की थर्ड प्रैक्टिस है लेवल अप योर स्क्वाड। ये सबसे जरूरी एडवाइसेस में से एक है जो बेंडनन बुरचार्ड अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना होगा, क्योंकि यही आपका स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस पिक कर सके। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहे, ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जो आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। हैबिट 4 इनक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो है उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बिजी हो। क्या आप बहुत ज्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं?
ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहे। कई हाई परफॉर्मर्स ये प्रूव कर सकते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद वे स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नजर आती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कैफिनेट होने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस फॉलो करें। फर्स्ट वाला है इनक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडीज से प्रूव हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स सॉर्ट आउट करने में वेस्ट करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कलीग की फाल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज पे फोकस करना है, और वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या PQO मेकिंग। प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका PQO क्या है ये मालूम करो, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफोर्ट लगा दो। अपने PQO के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि उसे छोड़ दे। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के शुरू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपनी एक्सेसनल कंपोजिशंस के लिए फेमस है। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एक मिल्स है। अगर आप कोई ब्लॉगर है तो आपका PQO होगा कंटेंट। आपको अपनी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा और ज्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कप केक्स बेचने वाले हैं, तो आप कोई दो बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े ताकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सके। तो आप भी अपना खुद का PQO पता करो और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दो। हैबिट 5 डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीफ्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हो। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहे लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने को वर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल है? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखे। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानो, ट्राई करना मत छोड़ो। धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिस है जिनसे इन्फ्लुएंस डेवलप हो सकती है। फर्स्ट प्रैक्टिस है लोगों को सिखाए कि हाउ टू थिंक। इमेजिन करो कि आपका एक 7 साल का बेटा है, वो अपना मैथ होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो आपसे आकर बोलता है आई हेट मैथ्स।
तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो इसमें इम्प्रूव करे और इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मजेदार सब्जेक्ट बना दे। बेंडनन बुइड अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग डायरेक्ट कर सके। लीडर्स को भी चाहिए कि वे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज के थॉट्स डायरेक्ट करे। यही चीज हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से सेपरेट करती है। वो अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करो, आप ऐसे ही एक मैनेजर है तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा। अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर ऐसे सोचना है, अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के बारे में ऐसे सोचे। एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। ये शायद इस बुक की सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप सीखने वाले हैं, और इम्प्लीमेंट में बहुत मुश्किल भी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाएं और बोलने लगे कि जाओ अपना काम करो। हाई परफॉर्मर्स बड़े सबटल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन्हें जता देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ हेल्प करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते वक्त वे अपनी टोन पोलाइट रखते हैं। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वे लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं? कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना ताकि वे जो भी करना चाहे अपना बेस्ट करे। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एंकरेज करना चाहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं और साथ ही उनकी हेल्प करने का सिंसियर पर्पज बताना भी नहीं भूलते। इस तरह से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। हैबिट 6, डेमोंस्ट्रेट करेज। करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इंपैक्ट डाल सकते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। आप अपना करेज शो करने के लिए क्या प्रैक्टिस चूज करेंगे? पहला वाला हो सकता है कि आप स्ट्रगल को ओनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज इजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिससे हमारा हार्ड वर्क काफी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जेनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो इजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंट, डिफिकल्टी और एफर्ट्स बीते जमाने की बातें हैं। आज ये एक्सेप्टेबल हो गया है अगर कोई छोटी सी डिफिकल्टी की वजह से स्कूल क्विट कर लेता है या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज क्विट कर लेता है। लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमजोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस फेस करने ही होंगे। अपना कैरेक्टर स्ट्रोंग बनाने के लिए हम अगर स्ट्रगल्स को एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल में एक ओनर है। ये एक रिस्पेक्ट की बात है अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है तो। हार्ड वर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है और बगैर स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करेज डेमोनस्ट्रेट करती है वो है अपनी सच्चाई
और एम्बिशंस शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिजायर रखता है। हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने में भी करेज की जरूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है। अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलिए, अपने एम्बिशंस शेयर करते रहिए। हाई परफॉर्मर्स कभी डिस्करेज नहीं हो सकते, स्पेशली लोगों के क्रिटिज्म से तो बिल्कुल नहीं। आपने हाई परफॉर्मेंस की 6 हैबिट्स सीखी, जिनकी हेल्प से हाई परफॉर्मर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क अपने हाथ में लेकर पूरा कर दिखाते हैं। इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए आप भी वो प्रैक्टिसेस लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, इसलिए ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट 3 हैबिट्स पर्सनल के ऊपर ज्यादा है, जबकि बाकी 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करेंगी। चलो इन 6 हैबिट्स को रिव्यू कर लेते हैं जो आपने यहाँ सीखी है। फर्स्ट हैबिट है सीक क्लेरिटी। इसके अंडर आप फ्यूचर फॉर की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो है सेल्फ, सोशल स्किल्स और सर्विस। सेकंड हैबिट है एनर्जी जेनरेट करना, और इसे अचीव करने की बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और ब्रिंग द जॉय। थर्ड हैबिट है रेज नेसेसिटी। आपने सीखा कि ये कैसे पता करे कि हु नीड्स यू आर अगेन, अफर्म द वे और लेवल अप योर स्क्वाड। फोर्थ हैबिट है इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंडर में आउटपुट इनक्रीज करने की प्रैक्टिस आती है, जो आपके 5 मूव्स मैटर और चार्ट करती है। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। आपने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। फाइनली सिक्स्थ हैबिट है करेज डेमोंस्ट्रेट करना, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। वर्जिल में एक कोट है, दे आर एबल वो थिंक दे आर एबल। आप अब जानते हैं किसी सीईओ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है डॉट, क्योंकि ऐसी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस है जिससे आप ये कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर है तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज्यादा इम्प्रूव करके अपनी सक्सेस मेंटेन रखे। ये बुक आपको ये पॉसिबिलिटी देती है। अब इस पर एक्शन लेना आपके हाथ में है। यही पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।